31 जून 1884 को भगवान श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर के अपने उस पूर्व परिचित कमरे में बैठ करके पंडित जी के साथ और अन्य भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसके पहले बहुत सारी बातें हुई थी, कर्म त्याग की बात हुई थी, सर्वधर्म समन्वय की बातें हुई थी, ब्रह्म शक्ति अभेद, ये सब बातें हुई थी, ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है, उपाय है व्याकुलता, ये सब बातें हुई थी। पंडित जी संध्या करने गए, मास्टर और बाबूराम कलकत्ता जाएंगे, श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अभी भी भावावेश में, श्री रामकृष्ण मास्टर से बात नहीं निकलती, जरा ठहरो अभी। मास्टर बैठे, श्री रामकृष्ण की क्या आज्ञा होती है इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने इशारे से बाबूराम से बैठने के लिए कहा। बाबूराम ने मास्टर से कहा, जरा देर और बैठिए। श्री रामकृष्ण ने बाबूराम से हवा करने के लिए कहा। बाबूराम पंखा जल रहे हैं और मास्टर भी। श्री रामकृष्ण मास्टर से सस्नेह है, तब तुम अब उठना क्यों नहीं आते? मास्टर जी, कोई खास कारण नहीं है, घर में काम था। श्री रामकृष्ण, बाबूराम का घर कहाँ है यह मैं कल समझा, इसीलिए तो इसे रखने की इतनी कोशिश कर रहा हूं। चिड़िया समय समझकर अंडे फोड़ती है, बात यह है कि ये सब शुद्धात्मा लड़के हैं, कभी कामिनी और कांचन में नहीं पड़े, है ना? मास्टर जी हाँ, अभी तक कोई धक्का नहीं लगा। श्री रामकृष्ण, नई हंडी है, दूध रखा जाए तो बिगड़ नहीं सकता। मास्टर कहते जी हाँ। श्री रामकृष्ण, बाबूराम के यहां रहने की जरूरत भी है, कभी कभी मेरी अवस्था ऐसी हो जाती है, उस समय ऐसे आदमियों का रहना जरूरी हो जाता है। उसने कहा है धीरे धीरे रहूंगा, नहीं तो घर वाले शोरगुल मचाएंगे। मैंने कहा है शनिवार और रविवार को आ जाया कर। तो यहां आप देखते हैं श्री रामकृष्ण देव, वो अन्य किसी का स्पर्श सहन नहीं कर पाते थे, अत्यंत शुद्ध आत्मा इन्हीं का स्पर्श कर सहन कर पाते थे। बाबूराम महाराज, जो कि बाद में चल के स्वामी प्रेमानंद बने, उसके बारे में कहते हैं कि बाबूराम हाड़ो शुद्ध, उनकी हड्डियां भी शुद्ध है बाबूराम महाराज जी। ऐसे बाबूराम महाराज उस समय तो विद्यार्थी अवस्था में, तो श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि बाबूराम वहीं रह जाए, और बाबूराम महाराज ने कहा कि अभी नहीं रहूंगा, पहले घर वाले बहुत शोर मचाएंगे, तो धीरे धीरे आना जाना शुरू करूंगा, बाद में फिर रहूंगा। तो उन्होंने कहा शनिवार रविवार को आ जाएगा। बाबूराम का घर कहाँ है ये मैं कल समझा। घर कहाँ है मतलब ये उनकी कोड लैंग्वेज है श्री रामकृष्ण की। घर मतलब वो रहने का घर नहीं। श्री रामकृष्ण जो कहते थे चार प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है बद्ध जीव, दूसरा होता है मुमुक्षु जीव, तीसरा होता है मुक्त जीव, और चौथा होता है नित्य मुक्त जीव। उदाहरण देते हैं कि एक मछली पकड़ने वाले ने जाल बिछाई, उसमें कितनी मछलियां हैं जो जाल में इतनी बुद्धिमान है वो पड़ी ही नहीं जाल में, और जितनी जाल में पड़ी उसमें से कुछ मछलियां वो चारा देख करके ऐसा समझते कि बहुत मजे में है, वो जानती नहीं है बाद में ये जाल में हम लोग फंस जाएंगे तो उसके बाद में हम आहार बन जाएंगे किसी का। ये बात उनको समझ में नहीं आती, इसलिए मजे से वहां रहते हैं। इसके हैं बद्ध जीव, जो मछली जिस प्रकार से मछली जाल में फंस करके बहुत आनंद लेती है, बोले बहुत अच्छा हुआ इतना अच्छा चारा मिल गया, जानती नहीं है कि कुछ ही समय में कलेवा हो जाएगा, ये है बद्ध जीव। अधिकांश जीव इस संसार में बद्ध जीव हैं, वो ये समझते हैं हम बड़े मजे में हैं, खाओ पियो मजा करो यही जीवन का उद्देश्य है, पर हम ये संसार की जाल में फंसे हैं इसका किसी भी प्रकार से उनको कोई भान ही नहीं है, बिल्कुल भान नहीं।
कुछ मछलियां हैं जो समझदार है, जानती है कि अभी तो चारा मिल गया, अब ये जाल में हम लोग फंसे हैं, थोड़ी देर में ये हमको ले जाएगा और जरीब जमीन पर देख करके मार डालेगा और हम लोग को काट करके लोग खा लेंगे। तो वो प्रयत्न करके जाल से अपने आप को छुड़ाने का, ये है मुमुक्षु जीव, जो कि समझ गए ये संसार में फंस गए, मतलब दुख 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 के और कुछ सिवा कुछ नहीं है। बाहर से दिख रहा है ऊपर में पतली सी वो जो चादर है वो सुख की चादर है, बाकी भीतर में दुख 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 है, समझ गए। और ये दो दिन का है, उसके बाद में खत्म। इसलिए यहां से ये संसार रूपी मोह जाल में से जितने जल्दी छूट जाए प्रयत्न करती है, उसमें से बहुत कम है जो छूट जाती है, वो है मुक्त जीव। लाखों में से एकाध पतन करती है और मां जगदम्बा ताली बजाती है, लाखों में एकाध पतन, मैंने लाखों जीव, ऐसे करोड़ों करोड़ जीव हैं जो कि इसमें फंसे हुए हैं वो संसार रूपी जाल में, उसमें से बहुत कम ऐसे हैं, बहुत कम ऐसे, कितने मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम व्यक्ति तत्व। हजारों हजारों लोगों में से, करोड़ों लोगों में से कोई एकाध व्यक्ति है जो कि यह समझता है कि हम जाल में फंस गए हैं, थोड़ी ही देर में सब खत्म हो जाएगा और तब बहुत बड़ा दुख और विपत्ति हमारे लिए है, ऐसा बहुत कम समझते। ऐसे समझने वाले प्रयत्न करते हैं कि जाल में से निकल जाओ नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा, इनको कहते हैं मुमुक्षु जीव। ऐसे मुमुक्षु जीव में से लाखों में से एकाध जाल तोड़ करके निकल जाते हैं, ये है मुक्त जीव, मुक्त हो गए, ईश्वर पर उसका दर्शन हो गया, मुक्ति प्राप्त हो गई, साधना करते 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 मुक्ति प्राप्त हो गई। बाकी कई लोग हैं साधना कर रहे हैं, मुमुक्षु हैं पर अभी तक वो जाल में है, जाल को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जितने करोड़ों करोड़ लोग हैं सामान्य जन, ये सब हैं बद्ध जीव। कुछ है बहुत कम जो साधक हैं, जैसे हम लोग साधक हैं, हम लोग समझ गए हैं कि भाई इसमें ऊपर ऊपर से तो सुख है परंतु सच्चा सुख शांति ईश्वर के चरणों में है, वो समझने के बावजूद भी हम छोड़ने का प्रयत्न करें पर नहीं छूट पाते, ये है मुमुक्षु। एकाध व्यक्ति ईश्वर दर्शन हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, उसे बहुत कम है, ये है मुक्त जीव। और कुछ मछलियां ऐसी है जो दूर से है जाल देख करके भग गई, आई नहीं जेल में, जाल में पड़ती ही नहीं, कभी नहीं पड़ती, ये है मुक्त, नित्य मुक्त जीव, नित्य मुक्त, उनको मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, कभी पड़ते ही नहीं। श्री राम कृष्ण कहते हैं मैंने समझ लिया कौन से घर का, मतलब चौथे घर का है, नित्य मुक्त। बाबू राम नरेन ये सब ये सालों डायरेक्ट डिसाइपल्स जितने श्री राम कृष्ण देख करके समझ गए ये लोग नित्य मुक्त है, कभी फंसेंगे नहीं, इनको अपने आप ही नित्य मुक्त है, कभी फंसेंगे नहीं, नित्य मुक्त, नित्य सिद्ध। इसलिए यहां पर हमें समझना पड़ेगा जब श्री राम कृष्ण कहते हैं बाबू राम का घर कहाँ है, मतलब नित्य मुक्त का घर है, वो चौथा प्रकार का वो है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि बाबू राम नजदीक में रहे, दूसरा कोई छूने से उनको बड़ी अड़चन, बहुत बहुत कष्ट होता है, शुद्ध आत्मा यदि उनको छुए स्पर्श करे तो फिर उनको आटा मानो नहीं लगता। इसलिए और कहा कैसे, क्या कहा, नई हंडी है दूध रखा जाए तो बिगड़ नहीं सकता, शुद्ध आत्मा उनको कहते हैं वो भी संसार में नहीं फंसे हैं तो संसार की हवा नहीं लगी है तो नई हंडी है, पुरानी हंडी में यदि दूध रखा जाए संभावना है कि दूध बिगड़ जाए। उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण कहते हैं ये जो शुद्ध आत्मा है अभी संसार में संस्पर्श में नहीं आए हैं तो इनको इनको इसमें दूर रखा जाए, मतलब उन्होंने जो उनका जो विशेष प्रकार का ज्ञान जो उपदेश और कोई सहन नहीं कर पाएगा, शुद्ध आत्मा ही सहन कर पाएंगे, ये उनको आधार मिल गया, इसलिए व्याकुल है बाबू राम से मिलने के लिए। तो बाबू राम को यहाँ रहने की जरूरत है, कभी कभी मेरी अवस्था ऐसी हो जाती है उस समय ऐसे आदमी का रहना जरूरी हो जाता है, उसने कहा है धीरे धीरे रहूंगा नहीं तो घर वाले शोरगुल मचाएंगे,
मैंने कहा है शनिवार और रविवार को आ जाया कर। इधर पंडित जी संध्या करके आ गए, उनके साथ भूधर और बड़े भाई भी थे। पंडित जी अब जलपान करेंगे। भूधर के बड़े भाई कह रहे हैं हम लोगों का क्या होगा, जरा कुछ आज्ञा कर दीजिए। श्री राम कृष्ण, तुम लोग मुमुक्षु हो, व्याकुलता के होने से ईश्वर मिलते हैं। श्राद्ध का अन्न न खाया करो, संसार में व्यभिचारिणी स्त्री की तरह होकर रहो। व्यभिचारिणी स्त्री घर का सब काम बड़ी प्रसन्नता से करती है, परंतु उसका मन दिन रात उसके यार के साथ रहता है। संसार का काम करो परंतु मन ईश्वर पर रखो। श्री रामकृष्ण देव संन्यास है, संन्यास लिया है, गृहस्थाश्रम नहीं किया, संसार से दूर रहते हैं, फिर भी उनके एग्जाम्पल उदाहरण कितना सांसारिक जीवन के उन्होंने, इसका कारण क्या है? ऐसी पैनी दृष्टि है, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करने की ऐसी शक्ति है कि वो उदाहरण कैसा सचोट उदाहरण देते हैं। ये नहीं देते हैं कि पत्नी का मन जिस प्रकार से पति की तरफ रहे, पत्नी का पति की तरफ रहता है उतना अधिक अट्रैक्शन नहीं होता है, उतना अधिक खिंचाव नहीं होता है। पर उदाहरण कैसा दिया, व्यभिचारिणी स्त्री, व्यभिचारिणी जो स्त्री बिगड़ गई है, व्यभिचारिणी स्त्री उसका चरित्र भ्रष्ट हो गया है, घर का सब काम बड़ी प्रसन्नता से करती है, उसका मन दिन रात उसके यार के साथ रहता है। इसका मतलब है हम लोग सोच रहे हैं कि आज के जमाने में बहुत गड़बड़ चल रही है, प्री मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, ये श्री रामकृष्ण के समय भी था, उस समय के उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से एक स्त्री चरित्र भ्रष्ट होती है तो उसका मन हमेशा भले काम करती होगी तो उसका मन उसके यार के साथ रहता है, जिसके साथ उसका अफेयर है, आज की मॉडर्न लैंग्वेज में जिसका अफेयर है, उस अफेयर होने के बाद पति के साथ का रिलेशनशिप उसमें वो पावर नहीं, वो अट्रैक्शन नहीं है, पर अफेयर है एक्स्ट्रा मैरिटल, उस यार के साथ, पति की बात नहीं गई, यार के साथ, यार का दिन रात उसको चिंतन रहता है। इस प्रकार का यदि जिस प्रकार की व्याकुलता, इस प्रकार की व्यभिचारिणी स्त्री को अपने यार के लिए रहती है, ऐसी व्याकुलता ईश्वर के लिए लाना पड़ेगा, ये आएगी तब हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। तो तुम लोग मुमुक्षु हो, व्याकुल होने से ईश्वर मिलते हैं, श्राद्ध का अन्न न खाया करो। श्री राम कृष्ण देव ने कभी आहार के बारे में कुछ भी नियम नहीं बनाए, जिस आहार से आपका मन शांत रहता है, चंचल नहीं होता, ऐसा मन, ऐसा आहार रखो जिससे आपका शरीर का स्वास्थ्य रहे, ऐसा रखो। कभी उन्होंने ये नहीं कहा ये खाओ ये खाओ, एक ही बात केवल दिया है श्राद्ध का अन्न खाया करो। अब हमारे जो खुद के ही घर में यदि कुछ हो जाए, या हमारे बहुत नजदीक के सगे हैं उनके घर में श्राद्ध का अन्न न खाया करें, नहीं खाएंगे तो क्या होगा, तो फिर वो तुम्हारे घर में नहीं खाएंगे। इसलिए जितना हो सके कम से कम खाना चाहिए, क्यों, श्राद्ध का अन्न खाने से भक्ति की हानि होगी, ऐसा श्री रामकृष्ण कहा करते थे। तो इसलिए कहते हैं उनको, मधुधर के बड़े भाई को कह रहे हैं केवल श्राद्ध का अन्न न खाना। संसार में व्यभिचारिणी स्त्री जिस तरह की तरह हो, व्यभिचारिणी स्त्री घर का सब काम बड़ी प्रसन्नता से करती है, परंतु उसका मन दिन रात उसके यार के साथ रहता है। संसार का काम करो परंतु मन ईश्वर पर रखो। पंडित जी जलपान कर रहे हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं आसन पर बैठकर खाओ। उन्होंने पंडित जी से फिर कहा तुमने गीता पढ़ी होगी जिसे सब लोग माने, उसमें ईश्वर की विशेष शक्ति है। पंडित जी यद्यत विभूति मत सत्वम श्री मधु गीत में वाह, हमने गीता में प्रतिदिन प्रत्येक रविवार हम लोग सुबह चर्चा करते, उस समय हमने जब विभूति योग का जब हम लोग उसकी चर्चा कर रहे थे तब ये श्लोक आया था, यद्यत विभूति मत सत्वम श्री मधु गीत में वाह। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन, हे अर्जुन, जहां जहां पर तुम शक्ति का विशेष प्रकाश देखो, किसी विशेष प्रकार की विभूति, चाहे वो लेखन कार्य में हो, कविता के में हो, स्पोर्ट्स में हो, खेलकूद में हो, पढ़ाई में हो, विद्वता में हो, कहीं भी कोई विशेष प्रकार की विभूति, कोई टैलेंट,
जिसे आजकल की भाषा में कहेंगे टैलेंट, कोई विशेष टैलेंट दिखे, वो टैलेंट उसकी नहीं है, ईश्वर की है, वो ईश्वर की विभूति है। तो कहने का मतलब श्री रामकृष्ण कहते हैं पंडित जी को भी कि पंडित जी को बोलते हैं, माने परोक्ष से कहना चाहते हैं कि हम आपको इतना सम्मान दे रहे हैं क्यों, आप में भी वो ईश्वर की विभूति है। जहां पर भी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ शक्ति दिखे तो समझ लेना वो ईश्वर की विभूति है। उन्होंने पंडित जी फिर कहा, तुमने गीता पढ़ी कि जिसे सब लोग माने उसमें विशेष शक्ति, सब लोग मानते हैं, कोई बड़ा म्यूजिशियन जिसको हम आजकल की भाषा में सेलिब्रिटी कहेंगे, यदि कोई सेलिब्रिटी है तो सेलिब्रिटी किसी भी क्षेत्र में हो, सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स में हो, म्यूजिक में हो, लिटरेचर में हो, तो जरूर कुछ न कुछ उसके भीतर में कोई एक विशेष योग्यता लक्षण है, और ये लक्षण और ये योग्यता या ये विशेष पावर, ये विशेष शक्ति वो ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की विभूति है। यद्यत विभूति मत सत्तम श्री बदुर जेतमेव वा, हे अर्जुन जहाँ जहाँ तुम कोई विशेष प्रकार की विभूति, विशेष प्रकार की टैलेंट, विशेष प्रकार की शक्ति देखो तो ये है अर्जुन, ये मेरी शक्ति है। श्री रामकृष्ण तुम्हारे भीतर अवश्य उनकी शक्ति है, श्री रामकृष्ण पंडित जी को बोलते हैं। पंडित जी कहते जो व्रत मैंने लिया है क्या इसे अध्यवसाय के साथ पूरा करने की कोशिश करूं। श्री रामकृष्ण जैसे अनुरोध की रक्षा के लिए कहा हाँ होगा, परंतु इस बात को दबाने के लिए दूसरा प्रश्न उठा दिया, ना तो नहीं बोल सकते हैं, दबा दिया प्रश्न। श्री रामकृष्ण शक्ति को मानना चाहिए, विद्यासागर ने कहा क्या उन्होंने किसी को ज्यादा शक्ति भी दी है। मैंने कहा नहीं तो फिर एक आदमी 100 आदमियों को कैसे मार डालता है। क्वीन विक्टोरिया का इतना मान इतना नाम क्यों है अगर उनमें शक्ति ना होती। मैंने पूछा तुम ये मानते हो या नहीं, तब उसने कहा हाँ मानता हूं। और भी एक बात कही थी, श्री रामकृष्ण विद्याशिष्ट से विद्यासागर से बात करने गए थे, यही प्रश्न जब पूछा था तो श्री रामकृष्ण ने कहा था अरे हम जो तुमको देखने के लिए आए हैं विशेष रूप से, ऐसे ही देखने के लिए आए हैं, क्या तुम्हारे 2 सिंह उगे हैं, तुम्हारे सिंह को देखने के लिए आए हैं, तुम्हारे भीतर में विशेष शक्ति इसलिए तुमसे मिल रहा है। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर को ही बोलते हैं ये तुम्हारी कैसी बात, मैंने सुना तुम विद्या के सागर हो, इतने बड़े विद्वान हो, ऐसी छोटी सी बात नहीं समझते कि किसी में छोटी। विभू के रूप में ईश्वर सभी जगह विराजमान, दिव्यता सभी के भीतर में, पापी से पापी के भीतर में भी वो दिव्यता है। कोई भी जाति का हो, कोई भी नाथ, कोई भी जाति का हो, गरीब हो, उच्च वर्ण हो, निम्न वर्ण हो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता है, परंतु सबके भीतर में उस दिव्यता का प्रकाश समान रूप से नहीं, किसी में ढका हुआ है, किसी में ज्यादा है, किसी में प्रकाश पूरा दिख रहा है, किसी में पूरा ढका हुआ है सबके भीतर, पर किसी किसी में उसका मैनिफेस्टेशन, उस शक्ति का प्रादुर्भाव अधिक है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं मास्टर विद्यासागर को इतना नाम क्यों है अगर उनमें शक्ति न होती। मैंने पूछा तुम ये मानते हो या नहीं, तब उसने कहा मानता हूं। पंडित जी उठे और श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ को प्रणाम किया, साथ वाले उनके मित्रों ने भी प्रणाम किया, भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। आप समझ लीजिए ये बातचीत के बाद क्या प्रभाव पड़ा, पंडित जी समझ गए कि इतने उच्च कोटि हैं रामकृष्ण परमहंस, भूमिष्ठ होकर के प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण कहते हैं फिर आना गंजेड़ी गंजेड़ी को देखता है तो खुश होता है, कभी तो उसे गले से लगा लेता है, दूसरे आदमी देखकर मुंह छिपाते हैं, गाय अपने साथ की गायों को देखती है तो उनकी देह चाटती है और दूसरी गायों को सिर से ठोकर मारती है, सब लोग हंसते हैं। ये देखिए उदाहरण, देखिए एक एक उदाहरण, गाय दूसरी गाय को देख करके ठोकर मारती है और अपना बछड़ा है तो उसको चाटती है, खुद का है इसलिए। उसी प्रकार से गंजेड़ी, अब श्री रामकृष्ण तो खुद तो गांजा नहीं खाते हैं, गंजेड़ी को देखा है कि एक गंजेड़ी जब दूसरे गंजेड़ी को मिलता है, दोनों शराबी, दो शराबी, गांजा भी शराब वाली बात है, शराब भी शराब नशे वाली बात, तो दो नशा करने वाले, चाहे वो गंजेड़ी हो चाहे शराब पीने वाले हो या ड्रग एडिक्ट हो, जब दूसरे ड्रग एडिक्ट को देखता है इतना खुश हो जाता है, गले लगा देता है, बोले ये मेरा पक्का फ्रेंड हो जाएगा। क्यों,
मैं जिस प्रकार जिस कुएं में गिर रहा हूं ये भी उसी कुएं में गिर रहा है, बहुत खुश हो जाता है दूसरे गंजड़े को देखकर। कभी कभी तो गले लगा लेता है। तो श्री रामकृष्ण उदाहरण देते हैं जिस प्रकार से एक गंजड़ी दूसरा गंजड़ी को देख करके खुश होता है, तो उदाहरण को देखते हैं मैं भी गंजड़ी हूं। ये लोग गांजा का नशा करते हैं, मैं भगवान के नाम का नशा। तो भगवान के नाम के नशे में जो लोग मस्त हैं, सामने वाला भी यदि भगवान के नाम में मस्त है तो बड़ा मजा आ जाता है। श्री रामकृष्ण एक भक्त दूसरे भक्त को देख करके खुश हो जाता कि चलो हमारी लाइन वाला है। तो उदाहरण गंजड़ी का देते, पर गंजड़ी का मतलब क्या? जो नशे में, तो भक्ति का नशा जिसको लग गया, ईश्वर का नशा जिसको लग गया, ऐसा कोई आदमी दिखता है उनको बड़ा आनंद आता है। चलो ये हमारी वेवलेंथ में है, ये हमारी बात समझ सकेगा। दूसरे आदमी को बताएंगे अरे भाई हम आश्रम गए थे, छोड़ो ना ऐसी बोरिंग बातों मत करो, थोड़े सिनेमा की बात करो। तो ये उनको सिनेमा वाला होगा वो उनको अच्छा लगेगा। आप लोग को, आप लोग जाएंगे उनके साथ बात करेंगे, बोरिंग है, बोरिंग बोरिंग बात करता है आश्रम की इधर की उधर की, सब मजा नहीं आएगा। सिनेमा वाली बात उसको मजा आएगी। उसी प्रकार से जो भक्त होगा उसको दूसरे भक्त की बात मजा आएगी। तो कहते हैं देख गंजड़ी को जिस प्रकार से देख के आनंद है उस प्रकार से तुमको देख करके आनंद है, इसलिए बोले फिर से आना। पंडित जी के चले जाने पर श्री रामकृष्ण हंस हंस करके कह रहे हैं डाइल्यूट हो गया है। श्री रामकृष्ण पास एक डजन इंग्लिश शब्द थे, तो इंग्लिश जानते नहीं थे, थैंक यू डाइल्यूट ऐसा कुछ शब्द सीख लिए थे, उसमें से एक शब्द ये है डाइल्यूट हो गया, मुग्ध हो गया। एक ही दिन में देखो, एक ही दिन में डाइल्यूट हो गया, पहली मुलाकात है पंडित जी से डाइल्यूट हो गया। क्यों? जाते समय भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया, कैसा विनय भाव है और सब बातें समझकर ग्रहण कर लेता है। आषाढ़ की शुक्ला सप्तमी है, पश्चिम वाले बरामदे में चांदनी छिटक रही है, श्री रामकृष्ण अब भी वही बैठे हैं, मास्टर प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण स्नेह पूर्वक पूछ रहे हैं क्या जाओगे? मास्टर जी हाँ अब चलता हूं। श्री रामकृष्ण एक दिन मैंने सोचा कि सबके वहां एक एक बार जाऊंगा। क्यों? मास्टर जी हाँ बड़ी कृपा होगी। कैसी बात? श्री रामकृष्ण देव उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी कृपा करके सामने से निमंत्रण ले रहे हैं। ये नहीं है कि उनको खाने का कोई अभाव नहीं है, पर भक्तों का घर पवित्र हो इस उद्देश्य के साथ सामने से बोल रहे हैं। एक एक बार सबके यहाँ जाने की बात है, अब इच्छा हो रही है, बोले हाँ जरूर आइए, हमारा धन्य हो जाएंगे हम लोग। मास्टर महाशय ने वो श्री रामकृष्ण ने सामने से इन्विटेशन मंगा, वो इन्विटेशन श्री रामकृष्ण मानो सामने से बोल रहे हैं कि मेरे सब जगह जाने की इच्छा है, तो मास्टर महाशय बोलते हाँ आप आइए। ये नहीं कि उनको खाने का भाव है, श्री रामकृष्ण खाने का भाव नहीं है, परंतु भक्तों पर कृपा करने के लिए कि उनका घर पावन हो जाए, सामने से कृपा कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात। ये नहीं कि खाने का भाव है। हमारे रामकृष्ण मिशन में हमारे अध्यक्ष महाराज थे, 12वें अध्यक्ष पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज, तो वो पहले 25 साल राजकोट में रहे। राजकोट के पहले वो शिलांग में जब थे तब की बात है, तो शिलांग आश्रम उस समय पुराना आश्रम, उस समय के जमाने में सभी आश्रमों की हालत बहुत खराब थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। अब शिलांग में ऐसा सुना है कि वो साइकिल में जाते थे और एक एक पैसा डोनेशन के लिए चार चार पांच पांच बार जाते थे। फिर किसी ने कहा कि आपको 5 बार बोला है, बाद में आइए, पर आप छोड़ते नहीं है, आते रहते। बोले जब तक आप नहीं बोलेंगे कि मैं नहीं दूंगा तब तक आता रहूंगा। एक पैसे के लिए साइकिल से उतनी दूर एक पैसा डोनेशन ले जाते थे, एक मुट्ठी चावल के लिए भिक्षा करके सब जगह लाते। ये हालत थी उस समय शिलांग आश्रम में, वो अध्यक्ष थे। अब एक दिन कोई बड़े स्वामी जी बेलूमठ से वो आए हैं, वहां पर आने वाले हैं, तो इनको चिंता हुई ये स्वामी जी आकर के इनको खिलाएंगे क्या, हम लोग जो खाते हैं वो मोटा चावल नमक के साथ, इनको तो कुछ खिलाना पड़ेगा।
कि इतने बड़े स्वामी जी आ रहे हैं तो क्या करें। तब एक भक्त यहां गए, भक्त के आइए आइए क्या बात है आज क्या बात है। बोले हाँ वो कुछ विशेष काम के आप आए हैं। बोले हाँ वो निमंत्रण के लिए आया हूं। बोले जरूर जरूर आप बोलिए कब हमको आश्रम में जाना है हम अवश्य आएंगे। उन्होंने कहा इट इज अदर वे राउंड, निमंत्रण देने नहीं निमंत्रण लेने आया हूं कि हमारे बड़े स्वामी जी आ रहे हैं हमारे तो आश्रम में तो कुछ है नहीं तो आप यदि हमें निमंत्रण दें तो हम दोनों वो स्वामी जी मैं आऊंगा आपके यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे। तो उनका ठीक है ठीक है इट इज अदर वे राउंड इज अबाउट इन्विटेशन बट नॉट आई एम नॉट फॉर गिविंग इन्विटेशन फॉर टेकिंग इन्विटेशन आई कम हियर। आपके पास निमंत्रण मांगने के लिए आया हूं कि आप हमें निमंत्रित कीजिए ताकि हम आएंगे। तो श्री रामकृष्ण उस हालत उस प्रकार से नहीं कह रहे, उनको कुछ अभाव नहीं है भोजन का, परंतु भक्तों पर कृपा करने के लिए एक दिन मैंने सोचा कि सबके यहां एक एक बार जाऊंगा। क्यों मास्टर कहते जी हाँ बड़ी कृपा होगी। तो श्री रामकृष्ण अहेतु कृपा सिंधु करुणामय श्री रामकृष्ण देव सब समय भक्तों के कल्याण के लिए सोचते हैं, ये इस बात का प्रमाण है। आज यहीं पर समाप्त करें, यहाँ पर अध्याय समाप्त हुआ है। 86वां अध्याय की चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यही समाप्त।